हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट हेयर ट्रांसप्लांट नो बकवास ओनली ज्ञान चैनल। दोस्तों, आज से 2 दिन पहले मैंने आप सब लोगों से अपने कम्युनिटी टैब के अंदर एक क्वेश्चन किया था। वो क्वेश्चन था कि क्या लड़कियां अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकती हैं या नहीं। उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 1000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया और उसके अंदर 80% लोगों ने बोला कि हाँ, लड़की अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकती हैं। 8% लोगों ने बोला कि नहीं करवा सकती अपना हेयर ट्रांसप्लांट और 12% लोगों ने बोला कि उन्हें नहीं पता। जो इन लोगों को ये बात है कि नहीं पता और जिन लोगों ने बोला है कि नहीं करवा सकती, उन लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है। तो सीधी सीधी बात यह है कि हाँ, लड़कियां भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकती हैं और लड़कियां भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाती हैं। लड़कियां और लड़कों के हेयर ट्रांसप्लांट करने के क्या अलग अलग तरीके होते हैं और उनका हेयर ट्रांसप्लांट लड़कों से थोड़ा अलग क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ी मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता हूं। उससे पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं, जिस क्लिनिक का मैंने आप सब लोगों को रेफरेंस दिया था, द हेयर एंड शेप क्लिनिक, उसके अंदर भी लड़की ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, उसी के बारे में आप सब लोगों को बताने वाला हूं, उसकी फोटोग्राफ्स आप लोगों को दिखाने वाला हूं। इससे पहले कि हम वीडियो के अंदर आगे बढ़े, तो मैं आपको लड़का और लड़की के हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर जो एक डिफरेंस होता है, पहला डिफरेंस वो बता दूं कि लड़कों के बालों के अंदर कुछ सेफ और अनसेफ जोन होता है, जबकि लड़की के बालों में ऐसा कुछ नहीं होता। लड़की का पूरा सर सेफ जोन के अंदर ही काउंट किया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, जब लड़कों के हेयर लिए जाते हैं, तो मैं अपनी फोटोग्राफ यहाँ पर दिखाता हूँ, तो पूरे ऊपर तक लिए जाते हैं और साइडों तक लिए जाते हैं, साइडों से लिए जाते हैं और यहाँ पर भी यहाँ से भी बाल लिए जाते हैं उनका हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए, लेकिन लड़कियों के लिए इस एंगल में लिए जाते हैं। जी हाँ, ये वही लड़के हैं जिनका हेयर ट्रांसप्लांट द हेयर शेप क्लिनिक के अंदर हुआ है, सिर्फ इस जोन से लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं, क्यों इन्होंने जहां पर से ज्यादा नहीं लिए बाल, इस मतलब कि यहां से लेकर यहां तक ज्यादा बाल क्यों नहीं ले लिए, क्योंकि देखो दोस्तों, जब लड़कियां अपना जूड़ा बांधती हैं, फिर कोई हेयर स्टाइल करती है ना, जब बालों को ऊपर करती है, तो यहां से उन्हें गंजा गंजा दिखेगा। तो इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है जब भी लड़कियों का हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। हर क्लिनिक के अंदर या हर डॉक्टर के अंदर या हर टेक्नीशियन के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती कि वो लड़की का हेयर ट्रांसप्लांट कर दे। लड़की का हेयर ट्रांसप्लांट करना एक मतलब बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी का काम हो जाता है, बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि लड़की के अगर जो गलत हो गया या लड़की का हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा गलत हो जाएगा, मतलब उसकी तो पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। लड़के लोग तो फिर भी चलो फैशन में है कि गंजे हो जाते हैं, गंजे हो गए तो चला लेते हैं, लेकिन लड़कियां तो बिल्कुल नहीं चला पाएंगी, आप सब लोग समझ सकते हैं इस बात को। तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम हो जाता है लड़कियों का हेयर ट्रांसप्लांट करवाना। उसके अंदर ये बात भी ध्यान रखी जाती है बहुत ध्यान से कि जो ग्राफ्ट निकाले जाते हैं वो कम से कम डैमेज हो, जो ग्राफ्ट इम्प्लांटिंग के टाइम डैमेज होते हैं वो भी कम से कम हो, ये एक स्किल्ड डॉक्टर या स्किल्ड टेक्नीशियन ही कर पाते हैं लड़की का हेयर ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो अब देखो, मैं इनकी एक वीडियो भी दिखाता हूँ। इस जगह से जो बाल काटे गए थे वो इतनी खूबसूरती के साथ काटे गए थे कि जब वो अपने बाल बांध रही है, जूड़ा बांध रही है, जब बालों को टाई कर रही है, तो पता ही नहीं लग रहा है कि उनके बाल निकले हुए हैं। तो इससे क्या हो रहा है, पूरा लड़कियों को गंजा नहीं किया जा रहा। वैसे तो लड़के भी ऐसे करवा सकते हैं या करवाते हैं, लड़के भी जो पूरा गंजा होने में शर्माते हैं, वो भी ऐसे पीछे से इतना एरिया ही कटवाते हैं, यहीं पर से ग्राफ्ट निकालते हैं और फिर और इम्प्लांटिंग करवा लेते हैं, ऐसा करते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन लड़कियों के केस में उन्हें गंजा तो ऑब्वियसली नहीं किया जा सकता, उन्हें किया भी नहीं जाना चाहिए, मगर अगर जो कोई लड़के शर्माते हैं गंजा होने में, तो वो भी यहां पर जाकर अपना इस टेक्निक के द्वारा करवा सकते हैं। तो जो देखिए आगे के ग्राफ कितनी डेंसिटी के साथ लगाए गए हैं इन लड़की के, आप लोगों ने देखा, जिन्हों को हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत पड़ी ना, ये इन्हों को इसलिए नहीं करनी पड़ी कि इन्हों का हेयर फॉल हो रहा था, इन्हों का ये था कि इन्हों का जेनेटिकली मतलब इन्हों को पूरे घर के अंदर ही माथा जो होता है इन्हों का बड़ा था, तो लड़कियां थोड़ी ज्यादा कॉन्शियस होती हैं, तो इन्होंने अपना माथा छोटा करवाने के लिए अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को ये बात समझ आई होगी कि हाँ, लड़कियां भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकती हैं। तो मुझे ये बात बताते हुए बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि जो क्लिनिक मैंने आप सब लोगों के लिए चूज किया है, वहां पर सिर्फ इंडियन लड़की नहीं, बाहर से लोग भी आकर अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। जी हाँ, लंदन से भी एक दो लोगों को देखा है मैंने, दुबई से भी देखा है, सऊदी अरब से भी देखा है मैंने आते हुए लोगों को वहां पर हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हुए, मतलब। और प्लस सबसे मेन बात यह है कि लड़कियां भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा रही हैं, लड़कियां भी उस क्लिनिक को बहुत ही ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, इंटरनेशनल और नेशनल कस्टमर दोनों आते हैं वहां पर अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। तो दोस्तों, अगर जो आप सब लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना। और जाते जाते मैं आप सब लोगों को एक और बात बता दूं, जब इंटरनेशनल कस्टमर की बात आई है, तो जो कल जो वीडियो मैंने अपलोड की थी, जो इंटरनेशनल कस्टमर था वो भी यहां पर अपना रिफिलिंग करवाने के लिए आया था, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
उस लड़की की वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय।